टीएमसी और कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन पार्टियों को आपकी रत्ती भर परवाह नहीं है। साथियों, टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी, बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। साथियों, भाई आप अपना चित्र लाए, नीचे रखो, लोग पीछे परेशान हो रहे हैं, नीचे रखो इसको। मैंने देख लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, औरों को परेशान मत करो, नीचे रखो, पीछे परेशान हो रहे लोग। साथियों, तोलाबाजी करना, चोरी करना, टीएमसी का ये विचारधारा बन चुकी है, आचार विचार एक ही बन चुका है। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाइयों और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के सांसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़ आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेता और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं,
और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा, मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके हो लूटने वालों पर चोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है, 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। चार जून पड़े भ्रष्टाचारी देर अपोरे एक्शन आरो तीव्र होवे। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है, मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले। और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है। भाइयों बहनों, बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज उनको पूजा करता है, पूजा करता है। वो सदियों से वंचित रहे हैं, मोदी उन्हें वरीयता देता है। आज गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मोदी ने सभी को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पक्का घर सभी को मिला है, कोई भेदभाव नहीं किया। टॉयलेट और गैस कनेक्शन सभी को मिला, मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप मुझे बताइए, मोदी जो मुफ्त चावल देता है, क्या कभी कोई भेदभाव किया है क्या? मोदी ने आपका बैंक में जो खाता खुलवाया, क्या उसमें कभी भेदभाव किया है क्या? साथियों, मैं जानता हूं कि पुरुलिया के आप लोगों को किस तरह जल संकट का सामना करना पड़ता है। ये जल संकट हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई बहनों का जीवन और मुश्किल बना देता है। मोदी की कोशिश देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की है। माताओं बहनों, मुझे हर घर में नल से जल पहुंचाना है। पिछले 5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को, 12 करोड़ से ज्यादा घरों को
हमने नल कनेक्शन से जोड़ा है, लेकिन पुरलिया जैसे इलाकों में टीएमसी सरकार इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां डेली हर रोज अलग अलग गांवों में अलग अलग इलाके में 30,000 घर, एक दिन में 30,000 घरों को नल का कनेक्शन दिया जाता है। इतना बड़ा काम हो रहा है। उसके सामने बंगाल में एक दिन में सिर्फ 5,000 घरों में काम होता है, क्योंकि टीएमसी वाले करने देना नहीं चाहते, उनके तोलाबाज करने नहीं देना चाहते। टीएमसी सरकार से यहां विकास की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। साथियों, मैं आज गंभीर बात कहना चाहता हूं और बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश की धरती पर गए थे, जब वो भारत की बात करते थे, तो लाखों लोग उनके भक्त बन गए थे। हर एक पर एक वर्ग ऐसा भी था जिसको भारत से नफरत थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का खूब अपमान किया, अरे धमकाने की कोशिश की, पर स्वामी विवेकानंद मां भारती का मिशन लेकर निकले थे, वो कहां डरने वाले थे। आज ऐसा ही बंगाल की धरती पर हो रहा है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है, इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं। लाख